वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तरंग का हो जाएगा सूर्य, हो जाएगा तरणी का, हो जाएगा नौका। ठीक है, तरंग का होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तप्त का मतलब होता है गर्म और तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, तनु का मतलब होता है पतला और तनु मतलब होता है पुत्र और तनुजा मतलब होता है पुत्री, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तर्क का हो जाएगा पेट और तक्र मतलब हो जाएगा बहस। ठीक है, तरी का हो जाएगा मट्ठा, तरी मतलब क्या होता है मट्ठा हो जाएगा, और तरी मतलब हो जाएगा आपका नाव। चलते हैं आगे की ओर, तरी का हो जाएगा नाव, तरंग का हो जाएगा गीलापन हो जाएगा, और तुरंग मतलब हो जाएगा घोड़ा, तब का मतलब हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा, और तब का मतलब हो जाएगा इसके बाद, कि तब तुम आओगे, इसके बाद तुम आओगे। ठीक है, तप्त का हो जाएगा गर्म और तृप्त का हो जाएगा संतुष्ट, तोष का हो जाएगा संतोष, और ये जो तोष जो नीचे शाह से सलजम वाला हो जाएगा उसका मतलब होता है हिंसा। ठीक है, तड़ाक का हो जाएगा जल्दी से, उसने तड़ाक से उत्तर दिया, तड़ाक मतलब हो जाएगा तालाब। तरणी का मतलब हो जाएगा सूर्य और तरणी का मतलब हो जाएगा नाव, तरणी का मतलब हो जाएगा नाव। चलते हैं आगे की ओर, तर्क का हो जाएगा विवेचना करना, कि तर्क और वितर्क देना, और तर्क का मतलब हो जाएगा विचारणीय। ठीक है, तब का मतलब हो जाएगा उसके पश्चात, तब मतलब हो जाएगा तुम्हारा, तड़ाक मतलब हो जाएगा जल्दी, तड़ाक मतलब हो जाएगा तालाब, ताप मतलब हो जाएगा गर्मी, और तप मतलब होता है तपस्या, जप तप। ठीक है, तमा मतलब हो जाएगा रात, और तम का मतलब हो जाएगा अंधेरा। तीव्र का मतलब हो जाएगा तेज, ठीक है, तीव्र का मतलब हो जाएगा तेज, और तीव्रा का मतलब हो जाएगा राई और तुलसी। तीव्रा जो है राई को कहते हैं और तुलसी को भी कहते हैं। थल का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, थाल का मतलब हो जाएगा थाली, ठीक है, थल और थाल। थान का हो जाएगा कपड़े का पूरा माप, कि इस थान हो जाएगा, और थाना का मतलब हो जाएगा पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना। ठीक है, थन का हो जाएगा स्तन, और थान का हो जाएगा कि मतलब स्थान, जैसे ठौर ठिकाना, स्थान। ठीक है, एक थन हो जाएगा स्तन, और थन थान का मतलब हो जाएगा ठौर ठिकाना। दावा का हो जाएगा बम बन बन की आग, जैसे दावाग्नि कहते हैं ना, जो वन की आग हो जाएगा आपके जंगल की आग, और दाबा मतलब हो जाएगा कलम तैयार करना। ठीक है, दाबा का मतलब हो जाएगा कलम तैयार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्वीप का मतलब हो जाएगा हाथी, और द्वीप का मतलब हो जाएगा आपू, मतलब जो टापू होता है ना वो। दमन का हो जाएगा दबाना, और दामन का हो जाएगा अंचल हो जाएगा, और हो जाएगा छोर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दांत का हो जाएगा मुंह का दांत, और दांत दांत का हो जाएगा दिया हुआ। दाह का हो जाएगा ज्वाला, और दह का हो जाएगा कुंड। दाई का हो जाएगा दासी, और दाई का हो जाएगा देने वाला। ठीक है, दंशन का हो जाएगा दांत से काटना, और दशन का हो जाएगा दांत। दीवा का हो जाएगा दिन, और दीवा मतलब हो जाएगा दीपक हो जाएगा। ठीक है, देव का हो जाएगा देवता, देव का हो जाएगा भाग्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, देव का देवता और देव का हो जाएगा भाग्य। द्रव का हो जाएगा रस, द्रव्य का हो जाएगा पदार्थ, दंश का हो जाएगा डंक, और दश का हो जाएगा दश अंक हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दार का हो जाएगा स्त्री, और द्वार का हो जाएगा दरवाजा हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दार का स्त्री वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वार का तो आपको पता ही होगा दरवाजा होता है। दिन का हो जाएगा दिवस, और दीन का होता है गरीब, किसे दीन दुखी जन इस तरह से, तो गरीब हो जाएगा। दारू का मतलब हो जाएगा लकड़ी, और दारू का मतलब हो जाएगा शराब। ठीक है, दुर्जात का हो जाएगा वेशन, कि मतलब खराब काम करना, दुर्जात मतलब नीची जाति हो जाएगा। ठीक है, नीची जाति जैसे जो होते हैं। देश का हो जाएगा राज, और द्वेष का मतलब हो जाएगा ईर्ष्या या फिर शत्रुता करना। दीवा का हो जाएगा दिन, और दीवा का मतलब हो जाएगा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दमन का हो जाएगा दबाना, और दामन का हो जाएगा आंचल में।
ठीक है जैसे बहुत बार गानों में दामन का वर्ड यूज होता है। दाई का हो जाएगा देने वाला, जैसे दाई माँ, और दाई का हो जाएगा दासी, दाई मतलब दासी, दाई माँ। देव का हो जाएगा देवता, और देव का हो जाएगा भाग्य। ठीक है, दिक का हो जाएगा परेशान करना, और दिक मतलब हो जाएगा दिशाएं, दिक्पात। ठीक है, इस तरह से दिक्पाल। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। दशा का हो जाएगा आपका हालत, और दिशा का मतलब हो जाएगा तरफ हो जाएगा, या फिर आपकी दिशा हो जाएगी। दाब का हो जाएगा दबाव, दावा का हो जाएगा वन हो जाएगा, और अधिकार करना भी होता है। दक्षिण का हो जाएगा दिशा का नाम, और दाक्षिण का हो जाएगा दक्षिणा संग्रह हो जाएगा। ठीक है, कि भाई कुछ दक्षिणा दीजिए। दिनांक का हो जाएगा तारीख, और दिनांत का हो जाएगा दिन में जिसे ना दिखे, मतलब दिन में का जो दिन में अंधा हो उस टाइप में। ठीक है, वो हो जाएगा। दंत का हो जाएगा दांत, और दंत का हो जाएगा दंत के द्वारा उच्चारण। के दर्प का हो जाएगा अहंकार, और दप मतलब हो जाएगा शेकी। दर्प का अहंकार, और दप मतलब शेकी। धरा का हो जाएगा पृथ्वी, धारा का हो जाएगा भाव। धन का हो जाएगा संपत्ति, धना का हो जाएगा प्रीतम। धर्म का हो जाएगा कर्तव्य, गर्म का हो जाएगा गर्मी। ठीक है, गर्म का हो जाएगा गर्मी। धौत का हो जाएगा सेंधा नमक, और धौती मतलब हो जाएगा हठ योग, हो जाएगा हठ और करना और योग करना। धान का हो जाएगा अन्न विशेष, धान जो आप खेतों में होते हैं चावल जिससे बनता है। धन्य का हो जाएगा सराहना। ठीक है, धुंध का हो जाएगा धुंधला, और धुंधु का हो जाएगा एक राक्षस हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। धुरा का हो जाएगा अच्छ हो जाएगा, और धूर का हो जाएगा धूल। ठीक है, धमान का हो जाएगा बजाना। ठीक है, धमान से हो जाएगा बजाना, और ध्यान का हो जाएगा एकाग्रता, एकाग्र में बैठना। धनेश का हो जाएगा कुबेर, और एक धनेश होता है वो हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा पक्षी, एक पक्षी। निर्वाण का मतलब हो जाएगा मोक्ष, और निर्माण का मतलब हो जाएगा बनाना। ठीक है, निर्माण का मतलब हो जाएगा बनाना। नय का हो जाएगा नीति हो जाएगा, और नव का हो जाएगा नया। निर्जर का हो जाएगा देवता, और निर्जर हो जाएगा झरना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नाहर का हो जाएगा बाघ हो जाएगा, और नहर का हो जाएगा पानी का कुल्ला हो जाएगा। ठीक है, नेक का हो जाएगा अच्छा, और नेक का हो जाएगा तनिक। नीर का पानी हो जाएगा, नीड़ का हो जाएगा घोंसला। नीम जो है एक पेड़ होता है आपका, और नींव हो जाएगा मकान की जड़ हो जाएगा, जिसमें आप जो नींव होता है ना नींव। नकल हो जाएगा प्रतिलिपि हो जाएगा, और नकुल जो होता है वो आपको नेवला को कहते हैं, और नकुल जो है एक पांडव का नाम भी था, ये भी आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निधन का मृत्यु हो जाएगा, और निर्धन का हो जाएगा गरीब। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। नमः का हो जाएगा प्रणाम, और नम का हो जाएगा गीला। निश्चल का हो जाएगा छल रहित हो जाएगा, और निश्चल का हो जाएगा आपका अटल हो जाएगा। निहत का हो जाएगा मरा हुआ, और निहित मतलब हो जाएगा छिपा हुआ, कि इसमें क्या निहित है, मतलब क्या छिपा हुआ है। ठीक है, निहत मतलब मरा हुआ है। और नीति का हो जाएगा सदाचार पद्धति हो जाएगा, कि किस तरह से मतलब आपको क्या नीति होनी चाहिए, तो वो चीज़। और नीत मतलब होता है लाया हुआ या फिर प्राप्त किया हुआ। ठीक है, नियोग का हो जाएगा नियोजन, और नियोज्य का हो जाएगा नौकर और सेवक। निवार का हो जाएगा पलंग बनाने हेतु, निवार होती है ना वो, और निवार होता है रोक लगाना, निवार जो होती है पलंग बनाने में यूज की जाती है, निवार। निशा का हो जाएगा रात्रि, और नशा का हो जाएगा बेहोशी हो जाएगा, और मद हो जाएगा। नीरज का हो जाएगा कमल हो जाएगा, और नीरद मतलब हो जाएगा बादल। ठीक है, निवार का हो जाएगा रोकना हो जाएगा। ठीक है, निवार मतलब रोकना, और नीवार मतलब हो जाएगा जंगली धान। ठीक, निहत मतलब हो जाएगा मरा हुआ हो जाएगा आपका, और निहित मतलब हो जाएगा छिपा हुआ। निशाकर का हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, और निशाचर का हो जाएगा राक्षस हो जाएगा। नाकाम का हो जाएगा असफल हो जाएगा, कि आप इसमें नाकाम हो गए, और नकाम का हो जाएगा पर्याप्त हो जाएगा, और काफी हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। नाई का हो जाएगा तरह हो जाएगा, कि विभिन्न प्रकार के जैसे हुए विभिन्न तरह के नाई, और एक हजाम बनाने वाला, बाल काटने वाला। निशान का हो जाएगा झंडा, और निशान मतलब होता है चिन्ह भी होता है। ठीक है, नुक्ता का हो जाएगा पति की बात, और दूसरा जो नुक्ता होता है उसका मतलब होता है बिंदु, दाग और धब्बा हो जाएगा।
नद का हो जाएगा नदिया हो जाएगा, नद का हो जाएगा विनम्र भी हो जाएगा, निर्गम का हो जाएगा निकलना और निगम का हो जाएगा संख्या। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। निदान का हो जाएगा रखना और आधार हो जाएगा, निदान का हो जाएगा निराकरण हो जाएगा कि इसका कुछ निदान निकालिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।